एक बार की बात है, सरोजनीपुर नाम के एक गांव में पार्वती नाम की एक अनाथ लड़की रहती थी। पार्वती ने कभी अपने माता पिता का चेहरा नहीं देखा था। बचपन में उसके माता पिता उसे कूड़े के ढेर में छोड़कर चले गए थे। किसी भले इंसान ने कुछ दिनों तक उसकी देखरेख की। उसके बाद उसने भी पवित्रा को यूं ही सड़कों पर छोड़ दिया। पवित्रा बचपन से ही कूड़े के ढेर में पली बढ़ी लड़की थी। बड़ी होने के बाद मेहनत करके उसने अपनी एक छोटी सी झोपड़ी बनाई और उसी में रहने लगी। पवित्रा एक शोरूम में झाड़ू पोछा लगाने का काम करती थी। वो अपना काम बहुत मन से करती थी। एक दिन शोरूम की मालकिन ने पवित्रा से कहा, पवित्रा तुम जब से आई हो पूरा शोरूम हमेशा चमकता रहता है। तुम अपना काम बहुत अच्छे से करती हो। तुम एक काम करो, अब से तुम झाड़ू पोछा लगाने का काम छोड़ दो और यहीं पर डिलीवरी गर्ल की नौकरी कर लो। उसमें तुम्हें ज्यादा तनख्वाह मिलेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मालकिन, आप मेरे बारे में कितना सोचती हैं। अभी तुम घर चली जाओ और कल से सामान को दुकानों तक पहुँचाने का काम करना। उसके बाद पवित्रा वापस घर आ जाती है। पवित्रा खुद बहुत गरीब थी, लेकिन फिर भी लोगों की मदद करने से पीछे नहीं हटती थी। वो अपने आसपास के सभी जरूरतमंद लोगों की मदद करती रहती थी, फिर चाहे उसके लिए उसे खुद ही क्यों ना तकलीफ उठानी पड़े। अगले दिन सुबह सुबह पवित्रा अपने लिए लंच पैक करती है और उसे लेकर काम पर जाने लगती है। पवित्रा काम पर जा रही थी तभी उसे रास्ते में एक बूढ़ी अम्मा दिखती है। पवित्रा उस बूढ़ी अम्मा की हमेशा मदद किया करती थी, उन्हें कुछ न कुछ खाने के लिए देती रहती थी। आज भी वो बूढ़ी अम्मा बहुत भूखी थी। पवित्रा उनके पास जाती है और कहती है, अम्मा मुझे पता है आपको भूख लगी है, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके लिए खाना लाई हूँ। इतना कहकर पवित्रा उन अम्मा को अपना लंच बॉक्स दे देती है और आगे बढ़ जाती है। पवित्रा काम पर पहुँचती है और लगन से अपना काम करती है। वो शोरूम से सैंडल और गाउन छोटी मोटी दुकानों तक पहुँचाया करती थी। इस काम से वैसे तो वो काफी थक जाती थी, लेकिन उसे पैसे भी अच्छे खासे मिल रहे थे। काम करके पवित्रा जब घर आने लगती है तो उसको रास्ते में एक लड़की दिखती है जो कि बहुत ज्यादा रो रही थी। पवित्रा उस लड़की के पास जाती है और कहती है, क्या बात है, तुम इतना क्यों रो रही हो और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम अंजलि है, मैं अपनी सौतेली माँ के साथ रहती हूँ। वो मुझ पर बहुत अत्याचार करती है, उसने मुझे घर से निकाल दिया, मैं बेसहारा हो गई हूँ। मेरे पास ना तो रहने के लिए घर है और ना ही खाने के लिए खाना, और मेरे पिताजी भी अब इस दुनिया में नहीं रहे। पवित्रा को अंजलि के बारे में जानकर बहुत बुरा लगता है। उसने अपना बचपन बहुत ही ज्यादा बेकार तरीके से बिताया था, इसलिए वो नहीं चाहती थी कि किसी का भी बचपन उसके नजरों के सामने खराब हो। वो अंजलि से कहती है, अंजलि तुम बिल्कुल निराश मत हो, पास में ही मेरी एक झोपड़ी है, मैं उसी में रहती हूँ। तुम मेरे साथ चलो और जब तक तुम्हारा मन करे तब तक तुम वहाँ रहना। अंजलि पवित्रा का धन्यवाद करती है और उसके साथ उसके घर तक जाने लगती है। घर पहुंचने के बाद पवित्रा अंजलि को खाने के लिए खाना देती है। पेट भर खाना खाने के बाद अंजलि कहती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया दीदी, आपने मेरी मदद की, मुझे बहुत जोर की नींद आ रही है, क्या मैं सो जाऊं? अरे हाँ हाँ, इसमें भी भला कोई पूछने की बात है, तुम खाट पर सो जाओ, मैं जमीन पर सो जाऊंगी। पवित्रा अंजलि को खाट पर सुला देती है और खुद जमीन पर सो जाती है। पवित्रा पवित्र मन से अंजलि की सेवा कर रही थी, लेकिन अंजलि एक बहुत ही चतुर और चालाक लड़की थी। पवित्रा रात को सो जाती है, लेकिन अंजलि को नींद नहीं आती। वो मन ही मन सोचती है, ये कितनी बेवकूफ लड़की है, इसे मैंने जो कहा इसने मान लिया, इसने मेरे बारे में कुछ जानने की कोशिश भी नहीं की। इसे क्या पता मैं एक बड़ी दुकान से चोरी करके भागी हूँ और इसने मुझे अपने घर में छुपने की जगह दी है। मेरा क्या है, कुछ दिन तक यहाँ रहूंगी और इस गरीब के घर में जो भी कुछ मिलेगा इसे भी चुरा कर भाग जाऊंगी। कौन सा मेरा इस दुनिया में कोई है। ये सब सोचकर अंजलि सो जाती है। अगले दिन पवित्रा काम पर चली जाती है और इधर अंजलि पवित्रा के पूरे घर की छानबीन करने लगती है, लेकिन उसे पवित्रा के घर में कुछ नहीं मिलता। ओहो,
मैं भी कितनी गरीब लड़की के घर में आ गई हूँ, इसके घर में तो खुद ही कुछ नहीं है। दूसरी तरफ पवित्रा अपना सामान दुकानों में डिलीवर कर रही थी। जब पवित्रा अपना सारा काम खत्म कर लेती है तो मालकिन पवित्रा के पास आती है और कहती है, पवित्रा कल सुबह 6 बजे एक दुकान में डिलीवरी करने देनी है और तुम्हें पता है हमारा शोरूम 10 बजे खुलता है और मैं उस डिलीवरी को रोक भी नहीं सकती क्योंकि वो एक बहुत बड़ी डिलीवरी है। तुम एक काम करो, तुम ये 5 गाउन और 5 सैंडल अपने घर ले जाओ और कल सुबह 6 बजे उस दुकान पर पहुँचा देना। लेकिन पवित्रा इन गाउन और सैंडल का बहुत ध्यान रखना क्योंकि इतने से सामान की कीमत पूरे 5 लाख रुपए से भी ज्यादा है। आप बेफिक्र रहिए मैडम, मैं इन सभी गाउन और सैंडल को बहुत संभाल कर रखूंगी और कल सुबह इन्हें डिलीवर कर दूंगी। इतना कहकर पवित्रा वो सारे गाउन और सैंडल लेकर घर आ जाती है। अंजलि पवित्रा के हाथ में इतना कीमती गाउन और सैंडल देखकर हैरान हो जाती है और कहती है, अरे दीदी आपके हाथ में इतना कीमती गाउन और सैंडल कहाँ से आए? ये तो दिखने में बहुत सुंदर लग रहे हैं। हाँ अंजलि, ये दिखने में जितने खूबसूरत है इनके दाम भी उतने ही ज्यादा है। तुम्हें पता है सिर्फ इतना सा सामान 5 लाख रुपए का है। 5 लाख सुनकर अंजलि की आंखें तो फटी की फटी रह जाती है। क्या 5 लाख? ये तो बहुत बड़ी कीमत है। हाँ मुझे इन सामानों को कल सुबह 6 बजे दुकान पर डिलीवर करना है। पवित्रा की बात सुनकर अंजलि मन ही मन सोचती है, मैं इतने महंगे गाउन और सैंडल को आज रात ही चुरा कर ले जाऊंगी और इन्हें किसी दुकान में बेचकर लखपति बन जाऊंगी। ऐसा सोचकर अंजलि पवित्रा से कहती है, दीदी बहुत भूख लगी है और नींद भी आ रही है, कुछ खाने को दे दो ना, फिर मुझे सोना है। हाँ हाँ अंजलि क्यों नहीं। पवित्रा अंजलि को खाने के लिए खाना देती है और खुद भी खा लेती है। खाना खाकर दोनों सो जाते हैं। आधी रात को जब पवित्रा गहरी नींद में सो रही थी तब अंजलि उठती है और चुपके से वो सभी गाउन और सैंडल चुरा कर वहाँ से भाग जाती है। सुबह 5 बजे जब पवित्रा की आंख खुलती है तो वो देखती है अंजलि खाट पर नहीं है। अरे ये अंजलि इतनी सुबह सुबह कहाँ चली गई? शायद बाहर टहलने गई होगी। मैं फटाफट तैयार होकर गाउन और सैंडल डिलीवर कर आती हूँ। ऐसा सोचने के बाद पवित्रा की नज़र वहाँ जाती है जहाँ उसने गाउन रखा था, लेकिन वहाँ पर तो कुछ भी नहीं था। पवित्रा पूरे घर में ढूंढती है लेकिन उसे गाउन और सैंडल कहीं नहीं दिखता। उसे समझते देर नहीं लगती कि उसके गाउन और सैंडल चोरी हो गए हैं और उन्हें चुराने वाला कोई और नहीं बल्कि अंजलि है। पवित्रा खुद से ही कहती है, मुझे अंजलि से ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, उसने जिस थाली में खाया उसे मैं छेद किया। भलाई का तो जमाना ही नहीं है, मैं हमेशा लोगों की मदद करती हूँ लेकिन फिर भी मेरे साथ ही ना जाने क्यों ऐसा होता है। अब मैं क्या करूँगी, इतनी महंगी रकम कैसे चुकाऊंगी? अब मुझे मालकिन को 5 लाख मुआवजा भी देना पड़ेगा और वो मुझे नौकरी से भी निकाल देगी। अब मैं क्या करूँ? ऐसा कहते हुए पवित्रा अपने घर के बाहर सर पकड़कर बैठ जाती है। तभी वहाँ पर आसमान से एक परी आती है और कहती है, क्या बात है पवित्रा, तुम उदास क्यों बैठी हो? आप कौन है? माफ कीजिए मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं परी लोग की रानी परी हूँ। तुम हमेशा लोगों की मदद करती हो, मैंने देखा आज तुम्हें मदद की जरूरत है इसलिए मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आई हूँ। बताओ क्या परेशानी है? पवित्रा परी को सारी बात बताती है। सारी बात जानकर परी कहती है, ये तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, तुम चिंता मत करो और मेरे साथ चलो। परी पवित्रा को अपने साथ बादलों में ले जाती है और कहती है, देखो यहाँ पर एक जादुई गाउन का घर है और एक जादुई सैंडल का घर है। इन दोनों में से एक घर तुम्हारी मदद करेगा। मैंने तुम्हें रास्ता दिखा दिया है, अब आगे का कार्य तुम्हें खुद करना होगा। इतना कहकर परी वहाँ से गायब हो जाती है। एक जादुई गाउन और एक जादुई सैंडल का घर दिखता है। पवित्रा के वहाँ पहुँचते ही जादुई गाउन का घर कहती है, सुनो पवित्रा मेरे घर के अंदर बहुत सारी धन दौलत है, इतने सारे धन दौलत से तुम रातों रात करोड़पति बन जाओगी। तभी जादुई सैंडल के घर में से आवाज आती है, पवित्रा मेरे घर के अंदर कोई धन दौलत नहीं है लेकिन 5 कीमती गाउन और 5 कीमती सैंडल है। तुम इन्हें लेकर दुकान पर डिलीवर कर सकती हो और अपना जीवन साधारण तरीके से व्यतीत कर सकती हो। पवित्रा का ये फैसला सुनने के बाद जादुई गाउन का घर वहाँ से गायब हो जाती है। फिर पवित्रा जादुई सैंडल के घर में जाती है
और कीमती गाउन और सैंडल को लेकर वापस आ जाती है और जादुई सैंडल के घर को धन्यवाद कहकर वापस अपने घर आ जाती है। भला हो परी का जिन्होंने मेरी मदद की। अब मैं फटाफट इन गाउन और सैंडल को दुकान पर डिलीवर करके आती हूँ। पवित्रा गाउन को और सैंडल को डिलीवर करके वापस आ रही होती है कि तभी उसे रास्ते में अंजलि दिखती है। अंजलि पवित्रा को देखकर उसके पास आकर उसे माफ़ी मांगने लगती है। मुझे माफ कर दो दीदी, मैंने आपके गाउन और सैंडल को चुरा लिया था, लेकिन जब मैं उन्हें चुरा कर भाग रही थी तो कुछ गुंडों ने वो मुझसे छीन लिया। मुझे माफ कर दो दीदी, मुझे पुलिस के हवाले मत करना। तुम इतने दिनों तक मेरे साथ रही हो इसलिए मैं तुम्हें छोटी बहन की तरह मानती हूँ, लेकिन तुम्हारी गलती माफ करने लायक बिल्कुल नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारी पुलिस में कम्प्लेंट तो नहीं करूँगी, लेकिन आज के बाद तुम मेरे घर में नहीं रहोगी। इसके बाद अंजलि वहाँ से चली जाती है और पवित्रा मालकिन से जाकर मिलती है। मालकिन पवित्रा की खूब तारीफ करती है। अब तो पवित्रा मालकिन की फेवरेट हो गई थी। धीरे धीरे मालकिन पवित्रा की पगार बढ़ाती रहती है, जिससे कि पवित्रा अपना एक पक्का मकान बना लेती है और उसी में अपना जीवन साधारण तरीके से खुशी खुशी व्यतीत करने लगती है। चांद की परियां। बहुत समय पहले की बात है, चांद के ऊपर परियों का एक बहुत ही सुंदर मोहल्ला था। वहाँ बहुत सुंदर सुंदर परियां रहती थी। उन परियों के पास बहुत सारा सोना होता था। सभी परियां आपस में बहुत खुशी से रहती थी। लेकिन एक दिन पृथ्वी लोक के दो जादूगरनी को पता चल जाता है कि चांद पर एक परियों का मोहल्ला है और परियों के पास बहुत सारा सोना भी है। दोनों जादूगरनी चांद पर मौजूद सारे सोने को कब्जा करने का मन बना लेती हैं। एक दिन दोनों जादूगरनी अपनी जादुई गाड़ी में बैठकर चांद पर सोना चुराने चली जाती हैं। मैंने सुना है कि चांद पर इतना सोना है कि हमारी कई पुश्तें आराम से बैठकर खा सकती हैं। अब हमें देर नहीं करनी चाहिए, चलो तुरंत चांद पर सोना ढूंढने का काम शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी वहाँ मोना परी आ जाती है और उन सब की सारी बातें सुन लेती है। अरे ये दोनों तो हमारे चांद पर सोना चुराने आई हैं। मुझे अभी तुरंत जाकर दूसरे परियों को यह बात बतानी होगी। मोना परी मोहल्ले की सारी परियों को इकट्ठा करके उन दोनों जादूगरनियों की प्लानिंग बता देती है। उसकी बात सुनकर मीठी परी कहती है, हमें तुरंत उन लोगों को यहाँ से भगाना होगा, नहीं तो वे लोग सारा सोना यहाँ से चुरा कर ले जाएंगे। सोने के बिना हम कुछ नहीं है। हमारी जादुई छड़ी भी सोने के मदद से ही चार्ज होती है, इसलिए हमें हमारे सोने की हिफाजत करनी होगी। उसके बाद सभी परियां मिलकर उन दोनों जादूगरनी के पास पहुंच जाती हैं। मोना परी गुस्से से कहती है, सुनो तुम दोनों यहाँ से चले जाओ वरना हम तुम्हें जलाकर राख कर देंगे। परियों को देखकर अनु जादूगरनी कहती है, अरे हमें तो ये बात पता ही नहीं थी कि यहाँ इतनी खूबसूरत परियां भी रहती हैं। हम इन सारी परियों को पृथ्वी लोक ले जाएंगे और इनकी जादुई छड़ी की मदद से बहुत शक्तिशाली बन जाएंगे। तुम्हारा ये सपना कभी पूरा नहीं होगा, सपने नींद में ही देखे जाए तो बेहतर है। हम अभी तुम्हें अपनी जादुई छड़ी की मदद से मजा चखाएंगे। लेकिन इससे पहले कि परियां अपने जादू छड़ी का इस्तेमाल करती, दोनों जादूगरनी अपनी शक्ति की मदद से सभी परियों को बिजली के जेल में कैद कर देती है। सभी परियों को जोरदार बिजली के झटके लगने लगते हैं, जिस वजह से उनकी जादुई छड़ी उनके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर जाती है। मीठी परी परेशानी के साथ कहती है, अरे नहीं ये दोनों तो बहुत चालाक निकले, अब हम क्या करें। तभी रेखा जादूगरनी उन सभी परियों की जादुई छड़ी उठाकर अपने बैग में भर लेती है। उसके बाद दोनों जादूगरनी परियों के घर में मौजूद सारा सोना अपने जादुई गाड़ी में रख लेती है। जादूगरनियां सभी परियों को बिजली के रस्सी से बांधकर अपनी गाड़ी में बिठा लेती है। चलो अब हम अपने घर चलते हैं। हाँ हाँ जल्द ही पहुँच जाएंगे। फिर दोनों जादूगरनी अपनी गाड़ी को हवा में उड़ाकर पृथ्वी लोक पर पहुँच जाती है। दोनों जादूगरनी सभी परियों को अपने घर में कैद कर लेती है। उसके बाद दोनों जादूगरनी परियों की जादुई छड़ी का इस्तेमाल करने की कोशिश करती है, लेकिन जादुई छड़ी बिल्कुल काम नहीं करती है। अचानक उस जादुई छड़ी में से आवाज आने लगती है, कृपया इस छड़ी का इस्तेमाल करने के लिए पहले पासवर्ड डालें। जादुई छड़ी की आवाज़ सुनकर जादूगरनी कहती है, यह परिया तो बहुत शानी है, इन्होंने अपनी जादुई छड़ी में पासवर्ड लगा रखा है,
बिना पासवर्ड के हम इनके जादुई छड़ी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। रेखा जादूगरनी परियों को धमकाते हुए कहती है, चलो तुम सब अभी के अभी अपनी छड़ी का पासवर्ड बताओ, वरना हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। नहीं नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए हम तुम्हें पासवर्ड नहीं बताएंगे। मोना परी की बात सुनकर जादूगरनी को बहुत गुस्सा आ जाता है। जादूगरनी सभी परियों को जोरदार बिजली के झटके देने लगती है। मैं तुम्हें 2 घंटे का समय दे रही हूँ, अगर तुमने हम दोनों को पासवर्ड नहीं बताया तो यह तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। इतना कहकर दोनों जादूगरनी वहाँ से चली जाती है। इस तरह अपनी लाचारी पर सभी परियां उदास होकर रोने लगती हैं। थोड़ी देर बाद उस जादूगरनी के घर के बाहर से सनाया नाम की लड़की गुजरती है। उसे परियों के रोने की आवाज सुनाई देती है। सनाया खिड़की से अंदर झांकने लगती है, तभी उसे बिजली के रस्सी में सभी परियां कैद दिखाई देती है। अरे यहाँ तो परियां हैं, लेकिन ये सभी परियां यहाँ कैसे आई? सनाया को देखकर सभी परियां उससे मदद मांगने लगती हैं। सभी परियां अपने साथ हुई घटना के बारे में सनाया को बता देती हैं। तुम लोग बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। सनाया घर के अंदर जाती है और सभी परियों को आजाद करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन जैसे ही सनाया बिजली की रस्सी को हाथ लगाती है उसे एक बड़ा शॉक लगता है। जोरदार झटके की वजह से सनाया उछलकर जमीन पर गिर जाती है। अरे नहीं, इन रस्सियों में से तो जोरदार बिजली का झटका आ रहा है, मुझे इन्हें तोड़ने के लिए कुछ आइडिया सोचना होगा। सनाया मदद मांगने के लिए एक तांत्रिक के पास जाती है। सनाया तांत्रिक को लेकर फिर से परियों के पास आ जाती है। तांत्रिक मंत्र पढ़कर सभी परियों को आजाद कर देता है, लेकिन तभी वहाँ दोनों जादूगरनी आ जाती है। जादूगरनियाँ सनाया और तांत्रिक को देखकर गुस्से से आग बबूला हो जाती है। अरे यह लड़की और तांत्रिक यहाँ कैसे आए? इनकी वजह से हमारा सारा काम बिगड़ गया है, अब हम इन्हें जान से मार डालेंगे। लेकिन तभी परियां अपनी जादुई छड़ी को उठाकर उन दोनों जादूगरनियों को बर्फ बना देती है। इससे पहले कि ये वापस अपने रूप में आए, सभी परियां उन दोनों जादूगरनी को एक बड़े महासागर में जाकर फेंक देती हैं। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और सभी परियां अपना सोना लेकर चांद पर वापस चली जाती हैं। परी की सौतेली बहन। बहुत समय पहले की बात है, परी लोक में सोनाली नाम की रानी परी राज किया करती थी। सोनाली परी हमेशा दूसरों की मदद किया करती थी, इसलिए परी लोक की सभी परियां सोनाली परी का आदर करती थी। सोनाली परी की एक बेटी भी थी जिसका नाम छाया था। सोनाली परी अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी। एक दिन सोनाली परी परीलोक का भ्रमण कर रही थी कि तभी उसे अचानक नदी किनारे किसी बच्चे की रोने की आवाज आती है। ये तो किसी बच्चे की रोने की आवाज है, देखूं जरा ये रोने की आवाज कहाँ से आ रही है। अरे इस पेड़ के नीचे तो कोई बच्चा रो रहा है। अरे ये तो कितनी प्यारी बच्ची है, इसे यहाँ कौन छोड़ गया? रो मत बच्चे, चुप हो जा। सोनाली परी उस बच्ची को अपने साथ अपने घर ले आती है। छाया बेटी इधर आओ, ये तुम्हारी छोटी बहन है, अब से ये हमारे साथ ही रहेगी, तुम्हें इसका ध्यान रखना है। माँ ये कौन है और आप इसे यहाँ क्यों लेकर आई हो? ये तुम्हारी छोटी बहन है और आज से इसका नाम कोमल है। माँ बेशक इसे अपनी बेटी मानती हो, लेकिन मैं इसे अपनी बहन कभी नहीं मानूंगी। समय ऐसे ही बीतने लगता है। सोनाली परी अपनी दोनों बेटियों से बराबर प्यार करती थी, वो दोनों में कोई फर्क नहीं करती थी। वो कभी भी कोमल को ये एहसास नहीं होने देती थी कि कोमल उसकी सगी बेटी नहीं है। एक दिन सोनाली परी बाजार जाती है तो उसकी नजर दुकान में टंगी 2 सुंदर फ्रॉक पर जाती है। कितनी सुंदर फ्रॉक है, ये फ्रॉक छाया और कोमल पर बहुत अच्छी लगेगी। ये सोचकर सोनाली परी दोनों फ्रॉक खरीद कर घर वापस आ जाती है। छाया कोमल कहाँ हो तुम दोनों? देखो मैं तुम दोनों के लिए क्या लेकर आई हूँ। सोनाली परी की आवाज सुनकर छाया और कोमल वहाँ पर आती हैं। माँ आप क्या लेकर आई हो? मैं तुम दोनों के लिए बहुत ही सुंदर 2 फ्रॉक लेकर आई हूँ।
माँ ये फ्रॉक तो बहुत ही सुंदर है। माँ आप बहुत अच्छी हो, मुझे ये फ्रॉक बहुत ही पसंद आई। माँ आपने इसका कलर देखा है, कितना डार्क है। आज के जमाने में इतना डार्क कलर कौन पहनता है। ये डार्क कलर की फ्रॉक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। दीदी देखो ना इसका डिजाइन कितना सुंदर है, और वैसे भी माँ इतने प्यार से हम दोनों के लिए ये लेकर आई है, रख लो ना प्लीज। तुमसे किसी ने कहा है बीच में बोलने के लिए? अपने काम से काम रख, मेरे मामले में मत बोल, नहीं तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। ये क्या तरीका है अपनी छोटी बहन से बात करने का, वो तुमसे कितना प्यार करती है और तू जब देखो उसे डांटती रहती है। माँ आप प्लीज शांत हो जाओ ना, दीदी पर इतना गुस्सा मत करो। तू फिर बोली बीच में, तुझसे कहा ना अपने काम से काम रख, तुझे समझ नहीं आता क्या? जब देखो मेरी और माँ के बीच में बोलती रहती है, सौतेली कहीं की। छाया तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कोमल को ये सब बोलने की? सोनाली परी छाया परी को खींचकर एक थप्पड़ लगाती है। छाया रोते रोते अपने कमरे में चली जाती है। जब से कोमल की बच्ची आई है तब से माँ मुझसे ज्यादा इससे प्यार करती है, जैसे कोमल नहीं मैं इनकी सौतेली बेटी हूँ। तभी सोनाली परी छाया के कमरे में आती है। मुझे माफ कर दो छाया, मैं तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहती थी, लेकिन तुमने बात ही ऐसी करी थी। मैंने कभी भी तुम दोनों बहनों में कोई फर्क नहीं किया, तुम दोनों मेरे लिए एक समान हो। मैं जितना प्यार कोमल से करती हूँ उतना ही प्यार तुमसे भी करती हूँ। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, आप केवल कोमल की ही माँ हो, आप हमेशा कोमल को मुझसे ज्यादा प्यार करती हो। नहीं छाया ऐसा नहीं है। बस अब आप मुझे अकेला छोड़ दो। धीरे धीरे समय बीतने लगता है। छाया को कोमल से पहले से भी ज्यादा जलन होने लगती है। कभी सोनाली परी कोमल की तारीफ करती तो छाया गुस्से से लाल पीली हो जाती थी। अब वो कोमल को परेशान करने के लिए बहाने ढूंढती रहती थी। एक दिन जब सोनाली परी घर पर नहीं होती है तब छाया कोमल के कमरे में तेल गिरा देती है, जिससे कोमल फिसल कर गिर जाती है और उसे चोट लग जाती है। कोमल रोने लगती है, ये देखकर छाया मन ही मन खुश होने लगती है। आज तो मजा ही आ गया, देखो कैसे रो रही है। आगे आगे देख बच्चू मैं तेरे साथ क्या क्या करती हूँ। तूने मुझसे मेरी माँ का प्यार छीना है ना, देख मैं तुझसे क्या क्या छीनती हूँ। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन कोमल अपने कपड़े तह लगाकर अलमारी में रख रही थी, तभी छाया उसे कपड़े तय करते हुए देख लेती है। अरे वाह कितना अच्छा आइडिया है कोमल की बच्ची, तुझे सुंदर सुंदर कपड़े पहनने का शौक है ना, रुक अभी बताती हूँ तुझे। इतना सोचकर छाया दरवाजे के पीछे छिपकर कोमल के कमरे से बाहर जाने का इंतजार करने लगती है, और उसके जाते ही उसकी अलमारी में चूहे छोड़ देती है। बेटा अब आएगा मजा। शाम को जब कोमल अपने कमरे में आती है तो पहनने के लिए जैसे ही फ्रॉक निकालती है वो ये देखकर हैरान रह जाती है कि उसके सारे कपड़े चूहे ने कुतर दिए हैं। अरे ये क्या हो गया, सुबह तक तो ये सारे कपड़े सही थे, इतनी जल्दी इसमें चूहे कहाँ से आ गए, मैंने तो दरवाजा अच्छे से बंद किया था। अपने कपड़ों को कुतरा हुआ देख कोमल बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है। तभी उसकी नजर दरवाजे के पीछे खड़ी छाया पर जाती है, जो उसे देखकर हंस रही थी। इसका मतलब ये सब दीदी ने ही किया है, पता नहीं दीदी को मुझे परेशान करने में कौन सा मजा आता है। तभी उसके कमरे में सोनाली परी आती है। क्या हुआ कोमल तुम इतनी उदास क्यों हो? कुछ नहीं माँ। कुछ तो बात है, अब तुम अपनी माँ से छुपाओगी, बताओ बेटा क्या हुआ? मम्मी मेरी अलमारी के सारे कपड़े चूहे ने कुतर दिए हैं, अब मैं क्या पहनूंगी? बस इतनी सी बात, आज मैं तुम्हें अपने साथ बाजार लेकर चलूंगी, तुम्हें जो भी ड्रेस पसंद आएगी तुम ले लेना, मैं कभी भी तुम्हारे चेहरे पर उदासी नहीं देख सकती। इतना सुनते ही कोमल सोनाली परी को जोर से गले लगा लेती है। आप कितनी अच्छी हो, आप मुझसे कितना प्यार करती हो, भगवान करे हर बच्चे को आपकी जैसी माँ मिले। बेटा दुनिया की सभी माँ अपने बच्चे से इतना ही प्यार करती है। अच्छा अब चलो बाजार के लिए देर हो रही है, तुम्हारे लिए ड्रेस भी तो लेनी है ना।
कोमल और सोनाली बाजार के लिए निकल जाते हैं। छाया दरवाजे के पीछे से उन दोनों की सारी बातें सुन रही होती है। जितना भी इस कोमल की बच्ची को माँ से दूर करने की कोशिश करती हूँ, उतना ही ये माँ के करीब आ जाती है। अब इसके साथ कुछ बड़ा ही करना होगा, नहीं तो ये मुझे कभी भी माँ के करीब नहीं आने देगी। छाया मौके की तलाश करने लगती है। एक दिन छाया परीलोक में घूम रही होती है कि तभी उसकी नजर नदी किनारे टूटे हुए पुल पर पड़ती है। ये पुल तो टूटा हुआ है, अगर मैं किसी तरह कोमल को यहाँ लाने में कामयाब हो जाऊँ तो ये मुसीबत हमेशा के लिए मेरी जिंदगी से चली जाएगी। उसके बाद छाया कोमल के पास आती है। क्या हुआ दीदी, आपको मुझसे कुछ काम था? नहीं, बस नदी किनारे बहुत ही सुंदर फूल खिले हैं, क्या तुम मेरे साथ उन्हें देखने चलोगी? दीदी, आप मुझे अपने साथ लेकर चलोगी? आप तो मुझे अपने साथ कहीं लेकर नहीं जाती, तो फिर आज क्यों? मैंने तो इसलिए पूछ लिया था क्योंकि वो फूल साल में एक बार ही खिलते हैं। दीदी, अगर आप इतने प्यार से मुझसे पूछ रही हो तो मैं आपके साथ जरूर चलूंगी। इतना कहकर छाया और कोमल नदी के किनारे पहुँच जाते हैं। दीदी, कहाँ है फूल? मुझे तो यहाँ पर कोई फूल नहीं दिख रहा। फूल होगा तो दिखाई देगा ना। मतलब अभी बताती हूँ। फिर जैसे ही छाया कोमल को नदी में धक्का देने वाली होती है कि तभी छाया का पैर फिसल जाता है और वो खुद नदी में गिर जाती है। ये देखकर कोमल आओ देखती है ना ताओ नदी में कूद जाती है और गांव वालों की मदद से छाया को बचा लेती है। कोमल का ये निश्चल प्यार देखकर छाया का मन पिघल जाता है और उसे अपने किए पर पछतावा भी होता है। कोमल, मैंने हमेशा तेरे साथ बुरा बर्ताव किया, तुझे न जाने कितने तरीकों से मैंने परेशान किया, यहाँ तक कि मैंने तुम्हें जान से मारने की भी कोशिश की, फिर भी तूने मेरी जान बचाई। तू महान है कोमल, मुझे तेरी जैसी बहन ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, प्लीज मुझे माफ कर दे कोमल। इतना कहकर कोमल जोर जोर से रोने लगती है। दीदी, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए इतना ही काफी है। फिर छाया कोमल को गले लगा लेती है। उस दिन के बाद से छाया और कोमल दोनों मिलजुल कर रहने लगती हैं।